Doing chapter 13, Our Forest today. So what we are going to learn about the chapter is importance of forest, types of forest found in India, need for the protection of the forest. Okay. पहला step जो हम देखेंगे यहाँ पे, a large area of land where trees and plants grow together naturally is called forest. एक बड़ा सा area, large area जहाँ पेड़ और पौधे ट्रीज़ और प्लांट दोनों एक साथ ग्रो करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं. अबाउट 20% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट. सो 20% ऑफ जो एरिया है वो कंट्री का, वो कवर्ड है फॉरेस्ट से. इम्पोर्टेंस क्या है आपको, इम्पोर्टेंस ऑफ द जो हम यहाँ पे देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इस फॉरेस्ट की, उसमें आएगा फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. द क्लीन एयर वी ब्रीथ एंड प्रिवेंट द सॉयल इरोजन. दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है क्लीन एयर और सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करना. उसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस होते हैं पेड़ पौधों के, जैसे फर्नीचर, पेपर बनाना, मैच स्टिक बनाना, और आपका मेडिसिन, कॉस्मेटिक, परफ्यूम. Wood of the trees are used to make fuels for cooking. Forest is a home to a large number of plants and animals. See, तो total इस समय हमारे पास 1256 species है of plants according to Botanical Survey of India. Recently जो ये data update हुआ है उसमें हमारे पास इतने पेड़ और पौधे हैं. So India जो है वो home है largest स्पीसीज़ का. 75,000 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स है और 1200 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं. और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. हर रीजन का अपना एक अलग फॉरेस्ट है. देर आर फाइव मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट. तो ये तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ओके, सो आई गेस दिस इज़ अबाउट द वीडियो.